उपेंद्र कुशवाहा जी अंततः प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए से अपने आप को अलग किया, कई आरोप लगाए। उन्होंने यहाँ तक बोला कि सुशील मोदी, नीतीश कुमार मेरे पार्टी को लगातार कमजोर करते रहे, आज दो उनके विधायक जदयू में जाने की घोषणा कर दिया है। ओवरऑल केंद्र सरकार पे भी उपेंद्र कुशवाहा का आरोप रहा कि हमें काम करने नहीं दिया गया। देखिए रवि जी, नीतीश कुमार के आने के बाद मैं समझता हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा ने जाने का निर्णय ले लिया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये दोष भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डालना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर डालना चाहते थे। लेकिन अंततः अब उन्होंने जो निर्णय लिया है उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि उन्होंने ये निर्णय अपने मन से लिया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके ऊपर इस तरह का कोई दबाव नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत सम्मान भी दिया था। जिस रेशियो में उनके सांसद थे उनको मंत्री का पद से नवाजा था और सरकार के अंदर एक बड़ी भूमिका दी थी, तो मैं समझता हूं कि अब उपेंद्र कुशवाहा जी के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। जो दोष वो लगा रहे हैं वो अपनी कमजोरियों को ही उनके सामने रख रहे हैं और उनकी पार्टी के विधायक टूटकर अगर जेडीयू में जा रहे हैं तो ये उनकी अपनी कमजोरी है और मैं समझता हूं उनका निर्णय गलत है। इस बात को ये दोनों विधायक जो है सिद्ध भी कर रहे हैं जेडीयू में जाने का निर्णय लेने के बाद साथ।